नमस्कार, महासंग्राम 2023 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीधी सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा बता दिया है। उन्होंने कहा सुसक सुसक कर अब टूट जाएगी कांग्रेस। सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही है रीति पाठक और उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कीड़ा मकोड़ा है कांग्रेस, तुलना कर दी है कांग्रेस की कीड़ा मकोड़ा से और साथ ही ये भी कहा कि सुसक सुसक कर टूट जाएगी कांग्रेस। रीति पाठक ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रीति पाठक के बयानों के बाद काफी ज्यादा सियासत गर्मा गई है क्योंकि तुलना कीड़ा मकोड़े से कर दी है रीति पाठक ने कांग्रेस की और अब इसको लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं रीति पाठक पर। जो उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा का मनो मस्तिष्क ठीक रही। क्या ऐसे के पार्टी राइटी बची नहीं आ? अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक सुसुक के सुसुक किरवा नहीं दब जाए ऐसे वक्त रहते है वही मेरे के भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम। हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हरीश, राजनीति में हमने कई बयान सुने हैं लेकिन कई बार राजनीति में मर्यादाओं को लोग भूल जाते हैं और ऐसे में अब कांग्रेस को कीड़ा मकोड़ा से तुलना करना रीति पाठक का काफी ज्यादा चर्चा में है। बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से सांसद ने यह बयान दिया है उसमें सांसद ने यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो कीड़े मकोड़े हो चुकी है और उन्होंने यह स्पष्ट कहने बताया है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ करता था जब मैं सांसद हुआ करती थी तो मेरे साथ सीधी के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो हमेशा चुनाव मैदान पे होते थे लेकिन सभी को परास्त कर मैं जीत हासिल करती आई हूँ। ऐसे में अब उन्हें लग रहा है कि जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं उनसे परे वो कांग्रेस को अपने सामने अब कीड़ा मकोड़ा मानने लगी है और यही वजह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस एक कीड़ा मकोड़ा है जो आने वाले समय पर सुसुक सुसुक के टूट जाएगी। हालांकि सांसद इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और लोग तरह तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं लेकिन सांसद यह भी दावा कर रही है कि जो कांग्रेस है वह कीड़े मकोड़ा है लेकिन अगर मतदाता जो चाह लेगा तो उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो सांसद ने यहाँ दो तीन अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है और उसमें जो माई का लाल वाला शब्द है तो उन्होंने मतदाताओं के लिए यूज किया है कि चूंकि बीजेपी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाजपा ही सब कुछ है, भाजपा ही देश का भविष्य है, भाजपा ही सभी का विकास है। तो ऐसे में कांग्रेस को उन्होंने एक बड़ा वो दिया है और एक गंभीर आरोप लगाया है और कीड़ा मकोड़ा की जहां तुलना कर दी है वहीं अपने आप को और बीजेपी को बहुत बेहतर बताने की भी कोशिश की है। अंतिम जी भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र जी, रीति पाठक का वो बयान आपने सुना होगा तो उस पर टिप्पणी कीजिएगा और अगर नहीं सुना तो बता देती हूँ, कांग्रेस की तुलना कीड़ा मकोड़ा से कर दी है रीति पाठक। उनका ये कहना कि सुसक सुसक के अब टूट जाएगी कांग्रेस। देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है इनकी ट्रेनिंग है कि जो है हैसियत कितनी भी हो जुबान जरूर 6 फुट की होनी चाहिए। तो कीड़ा मकोड़ा तो जनता सिद्ध करती है, जनता के जो है वोट डालने के बाद परिणाम सिद्ध करते हैं। रीति पाठक जी को परिणाम अभी जो जब आएंगे 17 तारीख के बाद 3 तारीख को तो सिद्ध हो जाएगा कौन कीड़ा मकोड़ा है, कौन आदमी है, कौन जनता है, किसके हाथ में शक्ति है, ये तय हो जाएगा। तो रीति पाठक जी जो है थोड़ा धैर्य रखें और 3 तारीख का इंतजार करें। ठीक है, रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। रजनीश जी, राजनीति तो राजनीति लेकिन राजनीति में मर्यादा बरकरार रखना ये भी जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी। रजनीश जी, क्या आवाज आ रही है अब तक? तो रजनीश जी इसका संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, चुनाव में प्रचार करने के दौरान तमाम चीजें करने के दौरान क्यों मर्यादा नेता भूल जाते हैं? भूल जाएंगे प्रधानमंत्री जी, भूल जाएंगे तो ये जो छोटे मोटे आइटम है ये तो भूल ही जाएंगे। ये तो जो है ये क्या है, आप आज जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि साहब जो है ये योजना बंद कर दी, वो योजना बंद कर दी,
विधानसभा में तो उन्होंने स्वयं जवाब दिए हुए हैं कि कोई योजना बंद नहीं हुई है, उनके मंत्रियों ने जवाब दिए हुए हैं। जब इस तरह से जो है मिथ्या वाचन होगा, झूठ का प्रचार प्रसार होगा, तो इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी प्रेरित होते हैं इसे झूठ और इसी गलत और गंदी जबान बोलने में। तो क्या इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या कोई स्टैंड लिया जाएगा इस बयान पर? कांग्रेस जो है इतनी गंदी और जलील भाषा में नहीं उतरेगी, ये कांग्रेस का चरित्र और कल्चर नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोज जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो हमेशा संयत भाषा में जवाब देते हैं। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन लगातार हमारी कोशिश है कि उनसे भी हम सवाल पूछे कि आखिर क्यों मर्यादा के विपरीत जाकर इस तरह के बयान सामने आते हैं। हालांकि भूपेंद्र जी, कांग्रेस को कीड़ा मकौड़ा से जो तुलना किया गया है, आप इसके पीछे क्या समझते हैं? इसका जवाब कांग्रेस कैसे देगी इलेक्शंस के जरिए? फ्रस्ट्रेशन है, वो हार रही है, जनता उनके खिलाफ है। अभी जो है उनका जिता जो है एक चुनाव परिणाम सिद्ध कर देंगे उनको, तो वो अभी उस पीड़ा से गुजर रही है। उनकी पार्टी उनके खिलाफ है, ये उस पार्टी की जो है नेता है और उस क्षेत्र में नेता है जहाँ पर लोग जो है मनुष्यों के ऊपर पेशाब करते हैं। इसका जो है ये पाप कहाँ जाएगा? ये पाप उनको सिद्ध कर देगा कि वो 3 तारीख को जो वो कह रही हैं, जो कल्पना कर रही हैं, वो 3 तारीख को सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, 3 तारीख का ही इंतजार है कि आखिर 3 तारीख को जनता का क्या फैसला होगा जो सबके सामने आएगा। भूपेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार हमने कोशिश की संपर्क करने की, बावजूद इसके कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हमने पूछा भी बीजेपी प्रवक्ता से कि इस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने फोन लाइन पर जुड़ने से ही मना कर दिया। फिलहाल आपको एक बार फिर सुनाते हैं रीति पाठक ने क्या कहा। भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डर तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा मनो मस्तिष्क ठीक रही, क्या इसके पार्टी राइटी बची नहीं आ? अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए, अब जिसन सुसुक सुसुक के सुसुसुक किरवा नहीं तभी जाए, ऐसे वक्तत रहते है वही मेरे के भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। सरदार वल्लभ पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है वो भी 5-6 दशक से लटका हुआ था, सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बीते कुछ ही वर्षों में पूरा हुआ है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले
मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। जब भी मैं यहां आता हूं इसका आकर्षण और बढ़ा हुआ दिखता हूं। रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, एकता नर्सरी, एकता मॉल, आरोग्य वन, कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, मियावाकी फॉरेस्ट, मेज गार्डन, यहां पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ही यहां 1.5 लाख से ज्यादा पैड लगाए गए हैं। सोलर पावर जनरेशन में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एकता नगर बहुत आगे चल रहा है। आज यहां एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन का एक नया आकर्षण भी जुड़ने जा रहा है। एकता नगर स्टेशन और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन में हमारी विरासत की झलक भी है और आधुनिक सुविधाएं भी है। इसके इंजन को स्टीम इंजन का लुक दिया गया है, लेकिन ये चलेगी बिजली से। एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। अब यहां पर्यटकों को ई बस, ई गोल्फ कार्ट और ई साइकिल के साथ पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम की सुविधा भी मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों को हो रहा है। उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं। साथियों, आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों के पौरुष और प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और विश्वास से देख रहा है। भारत की अविश्वसनीय, अतुलनीय यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है, उसको सदा सर्वदा याद भी रखना है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रत्येक देशवासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, बहुत खराब है। बहुत सारे देश 30-40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से आज जूझ रहे हैं। उन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे केवड़िया से, और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की।
विकास तिवारी कांग्रेस के साथ क्या आ सकते हैं, आज ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि रीवा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पहुंच गए हैं। जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि होंगे कांग्रेस में शामिल। कहा, लंबे समय से हम कर रहे थे सरकार से मांग, लेकिन सरकार ने अपनाई दमनकारी नीति, इसीलिए थाम रहे हैं कांग्रेस का दामन। यानी कि अब क्लियर हो गया है, कांग्रेस का दामन थाम लेंगे विकास तिवारी और कमलनाथ सदस्यता दिलाएंगे। कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ वो पहुंचे हैं कमलनाथ के यहाँ, और यहाँ पर वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। फिलहाल उनका ये कहना है कि सरकार से लगातार मांग हो रही थी बहुत सी चीजों की, लेकिन सरकार ने दमनकारी नीति अपना ली, इसलिए कांग्रेस में शामिल होंगे। जनता पार्टी 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें, जो जन विरोधी नीतियां थी उसको उन्होंने लागू किया। और लगातार हम पंचायत प्रतिनिधि 1.5 साल से निर्वाचित हुए थे, जिसके लिए हम लोग पंचायत के अधिकारियों की लड़ाई लगातार लड़ते रह गए। और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई, कई प्रतिनिधि मिले, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए, हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको जंगलों में छोड़ा गया भोपाल राजधानी से लेकर। तो लगातार, और अभी जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत में वो बिल्कुल हम लोग का समर्थन नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज 1993 का जो एक्ट अधिनियम था उसको अपने वचन पत्र में लिया है, और दिग्विजय सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था। और इसी बातचीत को लेकर हम सारे हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिताने की पूरी ताकत लगे। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, विकास तिवारी का कहना है कि दमनकारी नीति सरकार अपनाने लगी थी, इसलिए अब कांग्रेस का हाथ हम थाम रहे हैं, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले के बाहर ही मौजूद हूँ। रीवा से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, विकास तिवारी की अगुवाई में ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, और सबका जो जितने भी लोग पहुंचे हैं वो सबके सब पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखिए विकास तिवारी जो है वो पंचायत जो प्रतिनिधि उनकी अगुवाई करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से वो लोग निर्वाचित हुए उसके बाद से लगातार अपने अधिकारों की मांग को लेकर सरकार से वो मांग कर रहे थे। कई दौर की मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कमलनाथ से जब उनकी बात हुई तो अपने मैनिफेस्टो में जो संशोधन वो चाहते हैं वो सारे संशोधन पंचायत अधिनियम में रखे गए, तो यही कारण है कि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर वो लोग जो है वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए, एक बड़ा झटका जो है बीजेपी को माना जा सकता है, क्योंकि विकास तिवारी खुद जनपद अध्यक्ष, उनके साथ जितने लोग आए हैं सारे के सारे लोग जो है जनप्रतिनिधि है, कोई सरपंच है, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई जनपद सदस्य, तो ऐसे में ये लोग अपने अपने इलाके में प्रभाव रखते, और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में बिंद इलाके से ये लोग शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नुकसान जो है बिंद इलाके में उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ और कार्यकर्ता जो सीहोर जिले से जो है अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, क्योंकि कमलनाथ भी अब अपने आवास पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता जिन लोगों को शामिल होना है वो बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले ये माना जा रहा था कि लोग चुनाव यानी टिकट पाने के लिए शामिल हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अब नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यदि लोग जो है वो दल बदल कर रहे हैं तो ये माना जाए कि जो रीति नीति उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, हालांकि जो बीजेपी है वो लगातार ये कहती रहती है कि जो हमारा मूल कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं जाता है, और इस तरह की बातें लगातार कही जाती है, लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि देखना होगा कि कब तक विकास तिवारी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।